वाली, बताओ आपकी गवाही भी क्या है? परेशानी बाद में सुनेंगे, पहले गवाही सुनते हैं। बताओ। मैं गवाही ये देना चाहती जामसी, तो मैं गवाही देना चाहती, मैं 8वें महीने तो इतने आना शुरू किया, मैंने बहुत ज्यादा बीमारियां ही, जूरिया शुगर स्वैकल, और मैं बिल्कुल ठीक है। वाह वाह, तारीफ करो, तारीफ करो, हालेलुया, तारीफ करो जोर से। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे आते हुए? सर 8वें महीने तो शुरू है। 8वें महीने से, और ये 10वां, अभी 2 महीने हुए हैं। बोलो, अभी 8वें महीने से शुरू किया, ये 2 महीने हुए ना, अभी तो ये 11वां महीना नवंबर शुरू है, हा? तो 2 महीने हुए ना अभी, तो अभी 2 महीने में ये खुदा की मैं कहता हूं यहां पे उसकी ग्रेस है, ऐसा नहीं है। पहले आप कितने समय से पहले यहां से आने से पहले आप कितने टाइम, कितने समय पहले आप प्रभु को जानते थे? 14 साल हो गए थे यहां से आने से पहले। ये 14 साल प्रभु में रहे, और आप बाद में अपने प्रभु को छोड़ दिया था ना? हाँ जी। क्यों छोड़ दिया था? लड़ाई क्लेश ही रहती थी, लड़ाई क्लेश ही रहती थी, और इसलिए आपने 14 साल तक आप प्रभु में रहे, और जिस चीज के लिए प्रभु के पास गए वो हो ही नहीं, और 14 साल के बाद आपने प्रभु को छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? छोड़ दिया है ना, और आप फिर पीछे चले गए है ना। 1.5 साल हटे रहे, बाद से आना इतने शुरू। 1.5 साल तक ये प्रभु को पीछे हटे रहे, और 1.5 साल के बाद आपको फिर किसी ने गुड न्यूज दी, शुभ समाचार दिया, और आप यहाँ पे अपने आना शुरू किया, और अभी 2 महीने हुए, और कहते हैं कि मेरे जीवन में देखो परमेश्वर ने कितने काम किए। कितनी बीमारी दोबारा से बताओ, कौन कौन सी बीमारी? शुगर ही, जूरिया ही, स्वैकल ही। देखो शरीर बिल्कुल जुड़िया ही रहता है। और आप अभी घर में, घर का माहौल बताओ? घर का माहौल भी बहुत बढ़िया, मैं सारा काम कर दी नहीं, मैं काम नहीं कर सकती। अभी आपकी फैमिली कैसे है? बहुत बढ़िया। तारीफ करो इस बात के लिए। देखो ये नहीं है कि खुदा की ग्रेस है, बोलो क्या है? है। देखो, और ये देखो 14 साल तक ये प्रभु में रहे, और बाद में इन्होंने छोड़ दिया। मैंने जब ये आए तो मैंने इनसे पूछा था आपने क्यों छोड़ दिया, मैंने कुछ चीजें पूछी और इन्हें कुछ भी नहीं पता नहीं। मैंने कहा जब आप जहां पे आप जाते तो सिखाया नहीं कुछ? ये कहते नहीं, ये ऐसे कहते थे ना, कुछ नहीं, आपको कोई चीज नहीं सिखाई उन्होंने। व्रत रखो, प्रार्थना करो। हाँ जी, पर जो चीज मैंने पूछी जिस हिसाब से कि वो व्रत मतलब फास्टिंग प्रेयर किस तरीके से करना, क्योंकि हर चीज का एक नियम है। ऐसे बस मैं लो आप में से कोई नया बंदा, मैं उसे बोलता हूँ आप फास्टिंग करो, आप प्रार्थना करो, मगर उसे जो उसकी बेसिकली नीव है, अगर उसे कुछ भी पता नहीं है उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने बेसिकली जो इनकी नीव है वो सबसे पहले चेक की क्या है, और शुरू से बोलो क्या है, इन्हें सिखाया और समझाया, और ये आज देखो आपके सामने, और कितने ब्लेस है। हाँ, कोई क्लेश नहीं घर में, कुछ नहीं है, अब सब कुछ अच्छा, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं है। तारीफ करो, ऊंचा ऊंचा ऊंचा।